2022 दिल्ली संसद भवन का मैं घेराव करने पहुंच रहा हूं और मैं अपील करता हूं कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन हैं और भारत का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ और बंटवारे की डिमांड मुसलमानों ने किया, इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वह हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाई है। अपनी मांग को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि वे 7 नवंबर 2022 को दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी हिंदू संगठनों से भी साथ आने की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया था और इसे इस्लामिक देश घोषित कर दिया था, अब वक्त है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 7 नवंबर 2022 दिल्ली संसद भवन का मैं घेराव करने पहुंच रहा हूं और मैं अपील करता हूं कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन हैं और हिंदूवादी संगठन हैं सब लोग पहुंचें, क्योंकि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा और भारत का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ और बंटवारे की डिमांड मुसलमानों ने किया, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है, इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वह हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसको लेकर के हम लोग 7 नवंबर 2022 11 बजे संसद भवन का घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है कि संत परमहंस दास ने पहली बार ये मांग उठाई हो, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर 2023 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तो वे अन्न और जल त्याग करके अमरण अनशन करेंगे। अगर 7 नवंबर 2023 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अमरण अनशन करूंगा और हमारे साथ सभी अखाड़े रहेंगे, सभी संत महंत रहेंगे और सभी हिंदूवादी संगठन रहेंगे और 100 करोड़ हिंदू रहेंगे। अगर फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम लोग हथियार के बल से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, क्योंकि दुनिया में 157 ईसाइयों के देश हैं, 57 मुसलमानों को देश है, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो कम से कम बंटवारे के बाद बचा हुआ भूभाग हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव है। बता दें कि इससे पहले भी तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास 16 दिन तक अमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने दोबारा हिंदू राष्ट्र के लिए जल समाधि लेने की घोषणा की थी, लेकिन अयोध्या पुलिस प्रशासन की सक्रियता के चलते वह ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मांग को मजबूती देने के लिए देश के कई धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया था। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।